हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टुडे वी कंटिन्यू अवर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज टाइम। आज हम 24 आवर क्लॉक टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 24 आवर्स में क्या होता है कि 12 के बाद जैसे 1 है तो हम इसे क्या काउंट करेंगे, 13। तो कितना टाइम हो जाएगा, 13। ये क्या हो जाएगा, 14। यहाँ क्या हो जाएगा, 15। 3 पर क्या हो रहा है, 15। जैसे और ये 5 की टेबल भी अगर आप बोलेंगे तो ये भी करेक्ट रहेगा। जैसे 5 ये 13, फिर 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सी इन दिस टेबल, यहाँ पर है 12 आवर क्लॉक टाइम और यहाँ है 24 आवर क्लॉक टाइम। जिसे अगर मिडनाइट का टाइम हो रहा है 12, इट मीन्स 0 आवर्स, एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, मतलब 0 आवर्स। अब 1 AM, मतलब AM होता है सुबह की 12 बजे से, सॉरी रात की 12 बजे से, कब सो रात की 12 बजे से सुबह की 12 बजे तक जो टाइम होता है वो AM कहलाता है। तो 1 AM को हम कैसे लिखेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम में, 1 आवर्स। 2:15 AM को 2:15 आवर्स। 4:30 AM 4:30 आवर्स। 10:10 AM 10:10 आवर्स। 12:08 PM 12:08 आवर्स। 1:45 PM, देखिए अब 1 पे आ गया है, 1 पे आ गया है मतलब अब 13 मानेंगे इसे हम, 13:45 आवर्स। 3 PM 3 को क्या बोलेंगे हम, 15 आवर्स। 6 को 18, और ये जो मिनट्स चल रहे हैं ये एज इट इज रहेंगे। ओके, अब जैसे आपको कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक टाइम में, तो 3 आवर्स गिवन है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 AM, क्योंकि ये 12 आवर क्लॉक टाइम है। इसी तरह से 10:15 आवर्स है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 10:15 AM। अब 13 है मतलब सुबह की 12 हट चुकी है, अब दोपहर की 12 बजे से हो गया टाइम, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद है। तो 13:25, मतलब 13:25 माइनस 12 आवर करेंगे, इसमें से हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अगर 12 से ज़्यादा टाइम रहेगा तो हमें 12 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो आंसर क्या आएगा, 1:25 PM। देखिए यहाँ पर इफ़ द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम इज लेस देन 12, देन इट मीन्स दैट द टाइम इज 24 आवर क्लॉक टाइम में, अगर जब टाइम 12 से कम बता रहे हैं तो AM का यूज़ करेंगे, और अगर 12 से ज़्यादा 13 से बता रहे हैं तो हमेशा हम PM का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे 8:45, 3:30, मतलब ये 12 से कम है, इट मीन्स हमने AM का यूज़ करा। अब जैसे 18 हो गया, 15 हो गया, विच इज़ मोर देन 12, सो वी यूज़ PM। एंड फॉर 24 आवर क्लॉक टाइम, 24 आवर क्लॉक टाइम के लिए हम क्या करते हैं, 7:15 AM, AM है तो 7:15 आवर्स लिखेंगे। 11:45 AM है तो 11:45 आवर्स। अब 4:15 PM लग गया यहाँ पर, PM के लिए हम प्लस करते हैं 12, क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे 12 को, तो 4:15 PM प्लस 12 इक्वल्स टू 6:15 आवर्स, और हमेशा आवर्स लिखेंगे बिकॉज 12 आवर क्लॉक टाइम है। 7:55 PM प्लस 12 इक्वल्स टू 9:55 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे अगर आपको ऐड करना है 3 आवर्स 20 मिनट्स को और 2 आवर्स 15 मिनट्स को, कैसे करेंगे हम, एक कॉलम बनाएंगे आवर्स का, एक कॉलम बनेगा मिनट्स का। नाउ उसमें हम एडिशन करेंगे, सिंपल वे में एडिशन किया, क्या आंसर आया है, 5 आवर्स 35 मिनट्स, ठीक है, 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो इसको हम अगेन लिखेंगे, 3 आवर्स 20 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 15 मिनट्स इक्वल्स टू 5 आवर्स 35 मिनट्स। नाउ स्टूडेंट, सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज इन योर मैथ्स होमवर्क कॉपी और मैथ्स फेयर कॉपी। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।